ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एटीन आपके पुनीत के साथ तेहरान में हमास प्रमुख की हत्या के बाद मध्य पूर्व में हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं हमास चीफ इस्माइल हनिया की ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइली हमले में मौत की बात कही गई लेकिन बाद में खुलासा कुछ और हुआ लेकिन जो भी हुआ इसके बाद ईरान भड़क गया ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया है और बाकायदा बदले की तैयारी हो गई है ईरान के सुप्रीम लीडर के घर हुई मीटिंग में तय हुआ है कि इसराइल को हानिया की मौत का जवाब दिया जाएगा इसराइल भी हमले से बचने की तैयारी में जुटा हुआ है इसराइल की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान उतावला हो रहा है हानिया की मौत का गुस्सा ईरान ही नहीं बल्कि उसके साथियों में भी दिखाई दे रहा है लेबनान के हिजबुल्ला इराक के इस्लामिक जिहाद और यमन में हुथी और सीरिया के शिया गुट की तरफ से पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि इसराइल को इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स और ईरान आर्मी को ऑर्डर दे दिया है कि वे बदले की तैयारी कर लें ईरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तरफ से कहा भी जा चुका है कि इसराइल को हमारे मेहमान को मारने की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी बता दें कि इसराइल और ईरान में पहले से काफी तनाव बना हुआ है हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हनी की हत्या के बाद ईरान पहले से भी ज्यादा उबाल पर है और अब ईरान की सेना की अहम यूनिट के लीडर जादेह की मौत इसके पीछे इसराइल की भूमिका कही जा रही और इन दोनों से देशों दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने वाला है सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्ब्स के लीडर हज हबीब हबीबादेह का खात्मा हो गया जानकारी के मुताबिक एक धमा में धमाके में जादे की मौत हो गई इसी साल अप्रैल में इसी तरह सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक हवाई हमले में ईरानी दूतावास तबाह हुआ था और साथ ही साथ 11 लोगों की मौत हुई थी इस हमले में ईरान का सैन्य सलाहकार और डिप्टी कमांडर मोहम्मद अली रेजा जाहिदी भी मारा गया था और ऐसे में कुछ दिन के बाद ईरान ने भी हमला करते हुए इसराइल से बदला ले लिया ईरान के इस बदले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स की अहम भूमिका थी और इसीलिए यह बदला लिया गया इसराइल की तरफ से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ईरानी सेना की एक बेहद खास और खतरनाक यूनिट मानी जाती है और माना जा रहा है कि इसके पीछे इसराइल की मोसाद का हाथ हो सकता है वैसे चौंकाने वाली खबर तो यह भी सामने आई कि तेहरान के गेस्ट हाउस में खुफिया तरीके से लगाए गए एक बॉम्ब के कारण हमास चीफ हनिया की मौत हुई ना कि किसी मिसाइल अटैक से सबसे ज्यादा इस बात ने चौंकाया कि बीते जून के महीने में ही यह बम छिपाया गया और इसमें लेटेस्ट रिमोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ठीक उसी तरह जैसे साल 2020 में ईरान के परमाणु प्रमुख मोहसिन फकरजादे की हत्या की गई थी साल 2020 में यह वारदात हुई और तब मोसाद ने या फिर इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी लेकिन कहा गया कि 2021 में माना मोसाद ने यह हमला हुआ था और हमने कराया था लेकिन दूसरी तरफ या फिर दूसरे नजरिए से चीजों को समझें तो यह भी पाया गया कि हनिया इसराइल के जो बंधक बनाए गए लोग हैं उस मामले के सौदे की बातचीत में गाजा प्रमुख या या से ज्यादा फ्लेक्सिबल या कहें कि लचीला रुख अख्तियार किए हुए था और ऐसे में अगर हम यह कहें कि बंधकों को रिहा करने के मामले में जो सौदेबाजी चल रही थी उसमें डील फाइनल होने में सबसे ज्यादा दिक्कत हमास चीफ हनिया की तरफ से पैदा की जा रही थी हालांकि हनिया की हनिया का गाजा में अपना वर्चस्व जरूर था लेकिन लचीला रुख गाजा चीफ को परेशान करने वाला बन गया था और ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी मामले को लेकर हनिया को लेकर कोई डील पहले से ही हो चुकी हो लेकिन अगर इस मामले को अलग रखें हमास चीफ की हत्या को लेकर एक और चौंकाने वाली बात कही जा रही है बताया गया कि जिस निषात नाम के गेस्ट हाउस में हनिया रुका था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स की थी और यह भी पता चला कि हानिया जिस गेस्ट हाउस में रुका था वह अक्सर तेहरान के दौरे के दौरान यहीं पर रुका करता था दरअसल चीफ अनगिनत बार तेहरान का दौरा कर चुका था और ज्यादातर इसी गेस्ट हाउस में आता था यानी कि हमलावरों के लिए गेस्ट हाउस में उसे निशाना बनाना बहुत आसान हो चुका था इस मामले में ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल ने यह सब कुछ किया है आरोप इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मोजाद चीफ पर लगाए जा रहे हैं जबकि इसराइल की तरफ से इस मामले में कोई जिम्मेदारी अभी तक कोई जवाब भी नहीं आया जैसा कि उसने हमास और हिजबुल्ला के दूसरे कमांडर्स की हत्या की जिम्मेदारी भी नहीं ली अब भले ही इस पर कुछ ना बोले लेकिन ईरान गुस्से से लाल होकर हमले के लिए तैयार है अब ईरान के साथ कौन कौन खड़ा हो सकता है इसे समझिए लेकिन उससे पहले जानिए कि ईरान सऊदी और इस्लामिक देशों के बीच अपना प्रभुत्व साबित करने और उनका अगवा बनने के लिए दशकों से लड़ाई चल रही है लेकिन दूसरी ओर इसराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान को रूस और चीन का भी साथ है दरअसल रूस और चीन हर उस देश को सपोर्ट करते हैं जो अमेरिका के खिलाफ हैं और यहां भी अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है लिहाजा ईरान को इन दिन दोनों ही देशों का साथ तय मान लेना चाहिए मुस्लिम देशों की अगर बात करें तो कौन ईरान के साथ आएगा इस सवाल पर जवा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में डिप्लोमेसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब का इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनने का झगड़ा दशकों से चला आ रहा है जब समर्थन करने की बात आती है तो इराक, सीरिया जॉर्डन तुर्की जैसे इस्लामिक देश सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करते हैं लेकिन सऊदी और यूएई उनके साथ नहीं है क्योंकि ईरान को किसी तरह का समर्थन एक तरीके से उसे और मजबूत करने जैसा हो जाएगा लेकिन अगर सीधी लड़ाई होती है तो दूसरे इस्लामिक देश इन देशों पर नैतिक दबाव बनाएंगे लेकिन मामला सिर्फ यहां तक नहीं है शिया और सुन्नी का पेज भी इसमें फंसा हुआ है उन्नीस ईरान की क्रांति के बाद ईरान ने एक शिया कट्टरपंथी इस्लामी एजेंडा लॉन्च किया मिलिशिया की मदद करनी शुरू की जिसे खाड़ी देशों खासकर सुन्नी बाहुल इस्लामिक देशों ने नापसंद किया और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला सऊदी अरब एक सुन्नी देश है तो हालात आप समझ गए होंगे वैसे आपको क्या लगता है कि ईरान इसराइल पर कैसे हमला बोल सकता है अगर यह हमला होता है तो ईरान के साथ सीधे तौर पर कोई खड़ा होगा या फिर ईरान को सिर्फ अपने प्रॉक्सी साथियों का ही साथ मिलेगा आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।